जी बेटे, आप सभी का स्वागत है कौन नए गेम प्ले वीडियो में। और आज अपन वापस से खेलने जा रहे हैं अपनी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। और आज अपन एक बनाने वाले हैं बहुत बड़ा क्रीपर फार्म, जिससे अपने को गन पाउडर मिलेगा और गन पाउडर से अपन बनाएंगे टीएनटी। और इस टीएनटी का क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ गेम में, आ जाओ। जैसे कि आप सभी ने अब तक देखा होगा कि मेरी हालत कुछ ऐसी है, मेरी इन्वेंटरी में ना आर्मर है ना कुछ, क्योंकि इससे पिछले वाले एपिसोड में मैं गया था डायमंड माइनिंग पे और उसमें जो मेरी रेड पीटी है ना, मतलब डायमंड मैंने कितनी माइनिंग करी और एक भी डायमंड नहीं मिला। एक मिला था लेकिन मैं नीचे ही मर गया था और कितने सारे मेरा आयरन वेस्ट गया आर्मर वार्मर बना बनू के। तो आज मेरी कुछ हालत ये है कि एक भी आर्मर नहीं है और कुछ नहीं है। तो आज अपन इसी बिना आर्मर वार्मर के अपन एक बनाने वाले क्रीपर फार्म, और उस क्रीपर फार्म से जो अपन को गन पाउडर मिलेगा और उससे जो टीएनटी बनाएंगे, उस टीएनटी से अपन जाने वाले डायमंड माइन करने। लेकिन वो कैसे करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, देखना। ऐसा नहीं है कि कहीं भी टीएनटी लगा के फोड़ देंगे, उसकी एक बहुत अच्छी तरीके से अपन माइनिंग करेंगे। अपन एक अभी बनाते हैं क्रीपर फार्म बहुत अच्छा सा, और अभी जो है रात हो गई है तो जरा अरे भाई हाँ, और मैं ये बताना चाहता था, देखो एक सेकंड में, हाँ तुम ये दिखा रहा था, ये देखो इधर आओ और यहाँ पे विलेजर्स देखो तुम कितने सारे हो गए और अभी भी खाली है। मैंने यहाँ पे बहुत बेड लगाया और ये देखो मैंने कितने सारे वो फार्मर्स के वर्क लगा दिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे बिल्लियां चाहिए मेरे को एक तरीके से, क्योंकि अपन क्रीपर फार्म बनाएंगे आज तो उसमें बिल्लियां काम आएंगी और बिल्लियां आई नहीं है भाई। मैंने कितने सारे बिस्तर लगाए तुम लोगों के लिए, अरे एक दो बिल्ली तो दे दो, विलेजरों से आती है ना बिल्ली। चलो ठीक है गाइस, अभी सुबह मिलते हैं। और ये अबे सो जाओ, नीचे इतने सारे बिस्तर लगा रखे मैंने, ये लाइब्रेरियन काई का भी फेदर फॉलिंग फोर ही होता है शायद, फेदर फॉलिंग, ठीक है। चलो गाइस अभी जो है अपन सोते हैं और कल सुबह सबसे पहले देखो क्रीपर फार्म बनाएंगे अपन। क्रीपर फार्म से मेरे को बहुत सारा टीएनटी चाहिए। और अबे हट जा, मेरा बिस्तर है, अपने बिस्तर पे जाके सो शांति से। ओ और ये देखो गाइस, ये क्या दे रहा है, ये देखो, ओ ये मैंने दूसरी बार देखा, एक बार और देखा था मैंने, ये विलेजरों को देता है, ये मेरे को नहीं दे रहा, विलेजर भग गया इसके सामने से, विलेजरों को देता है, एक बार और देखा था मैंने इसी वर्ल्ड में। छोड़ो, हाँ मैं अभी कह रहा था अपन सबसे पहले तो सारा स्टोन लेते हैं, और ये शायद कम नहीं पड़ना चाहिए मेरे, ओ नहीं पड़ेगा रे, पड़ भी सकता है, देखो गाइस कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले अपन बनाने वाले सब चीजों का देखना है, ऐसे ये जो टाइल होती है ना, ये वाली टाइल नहीं, अपन सबका बनाने वाले वो पॉलिश टाइल, टाइल आती है ना, टाइल देखना मैं बताता हूँ। ये देखो एक ही सेकंड बस, इसको रखो यहाँ, एक और हाँ इसको और करेंगे ना अब बन जाएगी, देखना ये देखो, ओके ये देखो, ये वाली जो डीप स्लेट टाइल है इससे बनाने वाले हैं पूरा क्रीपर फार्म, तो मस्त लगेगा देखो। चलो गाइस अभी देखो अपने पास 21.5 स्टैक है एक तरीके से अपने पास स्टोन का, मेरे जहां तक तो सारा काम हो जाना चाहिए। और अपने को यहाँ पे जो है बिल्लियां चाहिए बहुत सारी, मैंने उसके लिए तो नहीं मारी थी, लेकिन यहाँ पे जो तुम्हें देखा हुआ ना, और ये देखो हाँ, अरे ये दिखाना भूल गया, ये देखो मैंने कितनी सारी बोट भी डाल दी पूरे नदी में। और यहाँ पे देखना ये जो मछलियां है ना, इनको वैसे ही मार के ले सकते हैं मेरे पे, अरे आर्मर वार्मर कुछ नहीं गाइस, और मैं बनाने भी नहीं वाला, अब मैं डायमंड का सोच तो रहा हूँ ऐसा कि डायमंड का बनाऊंगा डायरेक्ट। और ये देखो इनको वैसे ही ले सकते हैं, फिशिंग करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, इस फिशिंग में कितनी देर में आता है सामान। और यहाँ देखो, अरे मर गया, छोड़ो। तो गाइस इस तरीके से मैंने कुछ फिश इकट्ठी कर रखी 12-1, तो मेरे को फिश पटा, वो सॉरी अरे फिश नहीं, अरे नहीं ऊपर चलो, मेरे को बिल्लियां पटानी है थोड़ी बहुत, तो बिल्लियां पटाऊंगा बाद में, अभी रुको पहले तो मेरे को ये लेंगे। तीन मछलियां और आ गई हैं, अभी जहां भी बिल्ली दिखे उसको पहले तो अपने को बनाना है, बस दो बिल्लियां चाहिए फिर तो मैं उनसे फ्रेंड्स फॉरएवर बना लूंगा उन्हें। अभी जो है मेरे पास इधर फिश और पड़ी थी, हाँ ये रही फिश, 19 फिश है, 22 फिश है मेरे पास। पानी की बकेट बना लेता हूँ, एक आर्मर नहीं बनाऊंगा, मेरा मन है अब आर्मर बनेगा तो डायमंड का, वरना नहीं बनेगा। चलो इसको पानी ले लूं, पानी बाद में ले लेंगे, पहले बिल्ली देख के। ओ बिल्ली दिखी गाइस, तुम्हें दिखी क्या गाइस, क्या गाइस तुम्हें बिल्ली दिख रही है क्या गाइस, आपको बिल्ली दिख रही है, मेरे को नहीं दिख रही। और ये बिल्ली खाना भी नहीं खा रही, अरे रोक ले भाई, अरे गड्डी रोक ले, भगे जा रही, अरे 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 नहीं कहां गई, अरे एक ही तो दिखी है भाई, कितने सालों बाद मैंने कितनी मशा, एहे बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। एक और भाई, एक और चाहिए, बस एक और है, कोई है आसपास, अरे क्या कर रहे हो भाई, बिल्लियां पैदा करो यार तुम, यार शर्म ही नहीं है तुम लोगों को बिल्कुल, अरे नहीं है भाई बिल्ली, एक और बिल्ली चाहिए बस। गाइज अपन बनाते हैं, जब तक ढांचा तो बनाते हैं अपने उसका क्रीपर फार्म का, उसके अंदर बिल्ली बैठानी होती है अपने को, और थोड़ी बहुत वूल भी चाहिए होगी, वूल से मैंने कितने बेड बना दिए भाई। पहले बनाते हैं अपन अपना क्रीपर फार्म, और अपन वहीं बनाएंगे क्रीपर फार्म जहां मैंने बताई थी ना तुम्हें फार्म्स का एरिया बनाने वाले हैं, जहां पे पहले खाना खा लूं मैं, वापस दिखा देता हूं तुम्हें, अगर तुमने नहीं देखा होगा वो जगह, तो वहां पे अपन सारे बिल्ड बनाएंगे और अपना कासल भी उसी वहीं बनाएंगे, देखो बोरी जगह बोरी, लेकिन अपन पानी के उधर बनाएंगे क्रीपर फार्म, इधर की साइड अपना घर भर रहेगा और उधर की साइड अपन फार्म बनाएंगे।
और मेरे पास एक वो पड़ी थी, हाँ सीयर्स पड़ी थी, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बहुत सारे बेड बनाए जिससे विलेजर आए और विलेजरों के वो आए, क्या कहते हैं, विलेजर आए तो अरे बेड आए वो, अरे बेड नहीं बिल्ली, बिल्ली आए बिल्ली। चलो अभी अपने को वूल मिल गई 12, इससे कारपेट बनाएंगे। एक वूल फेंक देते हैं, इसको ले लेते हैं, 21 हो गई। चलो ठीक है, इसमें रख देता हूँ। चलो गाइस अभी बनाते हैं और मैं बताता हूँ कहाँ बनाएंगे अपन ये फार्म। तो बहुत सारे स्टोन है, स्टोन तो बहुत है भाई, स्टोन की कमी नहीं है, बन जाएगा। मैं सोच रहा हूँ 5 मंजिल वाला बनाना है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट करेंगे, नीचे लोग यही मार देते हैं क्रीपरों को, ठीक है, जितने भी ट्यूटोरियल देखे मैंने। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना नेदर में जाके मारा जाए उन्हें, बोलो कैसा ऑप्शन है। अरे रुको, मेरे को वो लेके आनी पड़ी गाइस, एक शवल और एक क्राफ्टिंग टेबल भी ले आता हूँ मैं, रुको 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 एक। हाँ तो चलो गाइस, मैंने एक शवल ले ली और एक पिकेक्स ले ली, क्योंकि पिकेक्स भी काम आ जाएगी। और मैं ही कह रहा था अपन किलिंग चैम्बर की जगह पे वहां पे लगा देते हैं अपन, क्या कहते हैं, अरे नेदर का द्वार, अरे अरे ऑब्सिडियंस, अरे मतलब अगर उन्हें नेदर में ले जाके मारा जाए तो अच्छा होगा ना। मेरे को पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन मेरे पास डायमंड की पिकेक्स भी नहीं है, लेकिन ठीक है मैं लावा ला ला के लगा दूंगा अभी। तो अभी अपन इसे साफ करते हैं, क्योंकि इधर ही बनने वाला अपना फार्म, आगे से बनाते हैं थोड़ा, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। जैसे भी बनाते जाएंगे वैसे अपन लाइन में बनाएंगे बस, कोई भी फार्म ऐसी नहीं कि एक यहाँ है, एक इतनी दूर, एक वहां। जो दूर बनने वाले होते हैं फार्म वो तो दूर ही बनाएंगे, लेकिन जो सब बन सकते हैं ना एक लाइन में, वो इस लाइन में बनाएंगे। ये वाली हाइट रखेंगे और इसको मैं साफ करता हूँ थोड़े से एरिया को। चलो गाइज अभी देखो मैंने पूरा एरिया साफ कर दिया और इतने एरिया में बन जाएगा, अपन यहाँ बनाएंगे। अभी लेते हैं अपन सारे स्टोन, देखो इसको डाल दो सब डर्ट जित। अभी जो बनाना है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं वो वाला फार्म नहीं होता जिसमें बिल्लियां होती हैं, क्रीपर फार्म, वो वाला बनाने वाले हैं। और इसके अंदर देखो मेरे को ऐसे बना, अपन को लगाना होता है 13 एक लाइन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 एक लाइन में लग गए, बस इतना चौड़ा बनेगा अपना फार्म। तो और ये 1 2 3 4 5, बस ये 5 लगाने होते हैं। एक सेकंड, इधर भी 1 2 3 4 5 5 5 हो गए। अब ये एक यहाँ और एक तो यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक 1 2 3 4 5, ऐसे बनाना है। और अब 13 लगेंगे लाइन में, तो 1 2 11 12 13, ये 13 लग गए। अब 2 3 4 5 6, अरे नहीं 6 लग, मैंने कहा था पिकेक्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मतलब नहीं, हाँ यहाँ नहीं कहा था पिकेक्स का इस्तेमाल, तो मैं उसमें नहीं करूँगा माइनिंग में। अब फक गया भाई माइनिंग करता करता। और अगर अपन TNT से अपन डायमंड माइनिंग करेंगे ना, तो उसमें अपने को बहुत सारे डीप स्लेट भी मिलेंगे। तुम देखना मैं जिस स्टाइल से करूंगा ना, मस्त, जब माइनिंग करूंगा तब एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्या उसमें अच्छा क्या है और उसमें क्या बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी फटाफट से अपन जो फार्म है उसको पूरा करते हैं। अपन इसको 5 लेयर का बनाने वाले हैं पूरा, मैक्स शायद मैक्स होता है, क्योंकि मैंने 5 लेयर तक ही देखा है। अपन अगर इसको बढ़ाना चाहें तो क्या बढ़ा सकते हैं, मैं चाहता हूँ इसको 10 लेयर तक का भी बना दूं, लेकिन जहां तक मैंने ट्यूटोरियल्स में देखा है ये 5 का ही बनता है। ट्राई करेंगे अगर मेरे पे स्टोन बचा पहली बात तो। तो अभी जो को अपना एक फ्लोर बनने वाला है, हाँ अभी इसके अंदर जो है यहाँ पे अपने को 2 2 स्टोन और एड करने, बस अभी यहाँ पे शवल, अरे शवल की जरूरत है, चलो छोड़ो शवल की जगह पे अपन इसका ऊपर वाला पार्ट बनाते हैं। और अरे अपने को वुड भी चाहिए, मेरे पास बहुत सारी वुड भी है गाइस। देखो मैंने जो सामने तुम्हें दिख रहा होगा ये जो दो पेड़ उग रहे हैं ना, ये पेड़ मैंने 2-4 बार उगा के 2-4 बार काटने, तो मेरे पास बहुत सारी वुड भी है, क्योंकि मेरे को बेड वेड बनाने थे तो बहुत सारी वुड बनाई थी। तो अब वहां से अपन सामान लेके आते हैं, अगर एक और कैट हो गई होगी तो कैट भी टेम करेंगे और फिर बच्चे कराएंगे उनके। बाकी बिल्ली आई है क्या, दिख रही है कोई बिल्ली तुम्हें गाइज, क्या तुम्हें बिल्ली दिख रही है, नहीं दिख रही भाई इस बार तो, जोर आदि एक्सप्लोरर भी फेल हो गई। हाँ भाई बिल्ली दिख रही है गोलम, अरे गोलम बिल्ली, अरे बिल्ली है भाई, बिल्ली है यहाँ पे, नहीं मैंने एक बिल्ली देखी तो थी लेकिन उस टाइम टेम नहीं करी थी मैं, उस टाइम बेड वेड लगाने में बिजी था, वूल वूल इकट्ठी कर रहा था, तो ऊपर की साइड कहीं थी शायद कैट ऊपर, लेकिन यहाँ पे कहीं विलेजर नहीं थे, फिर भी मैंने कैट देखी थी तो मेरे को लगा कि होती होगी ऐसे खुले में भी, तो कैट मिल जाए बस, एक कैट चाहिए बस मेरे को, कहीं भी नहीं है भाई, कितने ज़ॉम्बी आ गए। अरे अरे हट जाओ, दिख रही है गाइस तुम्हें कैट दिख रही है, अरे पीछे मत पड़ो भैया, अरे चेप हो जाते हैं एक तो यार ये लोग। एक सेकंड गाइस ऊपर जाके और देखते हैं, यहीं कहीं देखी थी मैंने, यहाँ पे मैं वो काटने आया, ओ अरे खा ले भाई, खा ले खा ले खा ले खा ले, अरे नहीं, अरे गाइस आजा भाई आजा आजा, कम ऑन बैडी, चलो ये आ जाएगी अपने आप। गाइस मिल गई, मैंने बोला था नहीं यार कैट थी कहीं ना कहीं, मर गया मर गए मर गए मर गए मर गए, आजा बिल्ली आजा जल्दी आजा, आज तू मेरी गोदी में सो जाना, मैं पहले जाके सोता हूँ फटाफट से, आजा भाई सो जा।
ओके बिल्ली आई, ओ बिल्ली बगल में है गाइज, गुड नाइट गुड मॉर्निंग गाइज, आ जाओ बिल्ली आ जाओ, तुम्हारा काम मतलब थोड़ी आ जाओ इधर आ जाओ, आ जाओ खाना खिलाता हूँ तुम्हें, मॉर्निंग हो गई आ जाओ आ जाओ। अरे इनके लिए अगर बड़ा करना हो इन्हें एंड टू एंड तो कितने लगते हैं, एक सेकंड खड़ी हो, अरे अरे ब्लॉक नहीं लगाना था, अरे पूरे खा गई भाई, बड़ी नहीं हुई, अरे नहीं ओ शिट गाइज, मछली के पास चलो, तलवार उठाओ और कूद जाओ, आ जाओ ये लो तू भी खा, खाओ ना, अच्छा ये खाने को ही रेडी नहीं है भाई, आ जाना अब, एक तो नखरे मत करना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्यों पर, हाँ ओके, एक दो तीन चार, चार आ गई हैं, चारों की चारों आ गई हैं लोग, तो अभी अपन इसको बनाना कंटिन्यू करते हैं, और अपन पास वुड है ही तो वुड से भी बनाते हैं, एक सेकंड मैं दो डबल चेस्ट एक और बनाता हूँ, वहां ले जाके सारे स्टोन रख देते हैं इसके पास में, क्योंकि बस सारा स्टोन यही काम आना है, स्टोन के अलावा और कुछ काम नहीं आना, जितना भी स्टोन है ना वो सारा यही काम आना है, और फिर वुड है जो कि वुड काम आएगी, एक बेड भी निकाल लाता हूं मैं, अब इसके अंदर बनाएंगे अपन ट्रैप डोर, ठीक है ओके 20 बहुत नहीं होंगे, तो हर फ्लोर पे लगाने, हर फ्लोर पे कैसे वो भी मैं बताता हूँ, एक सेकंड ये देखो ऐसे ऐसे लगाने, हर फ्लोर पे लगाने ऐसे ऐसे पूरा भरना है इसको, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ इसको भरते नहीं है, क्योंकि अपन इसके ऊपर बनाते हैं, अपने को अभी इसके अंदर कैट्स भी लानी है, ठीक है तो इसके ऊपर बनाते हैं, क्योंकि अपने को ऐसा है ना, ऐसे रूम अपने को 5 बनाने हैं लाइन में, तो एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, नहीं यहाँ और यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ तो ट्रैप डोर लगेंगे दो, एक यहाँ, कारपेट भी लगानी है जिससे कि सिर्फ क्रीपर ही स्पॉन हो पाए और कोई स्पॉन ना हो पाए यहाँ पे, ये लो ऐसे ये कारपेट लग जाएंगी, एक यहाँ ओके ये गलत लगा दी मैंने, दो छोड़ के लगानी है और एक दो छोड़ के यहाँ, एक यहाँ ओके, एक यहाँ एक ऐसे सब पे कारपेट भी लगानी है और ऊपर ट्रैप डोर आई जाएंगे, और यहाँ पे एक बिल्ली बैठानी है और वहां पे एक बिल्ली बैठानी है, अभी जब तक बिल्ली मेरे पास पूरी नहीं हो जाती जब तक नहीं बैठाऊंगा, और एक बगल का ये खोल भी देते हैं, एक ही बहुत है, चलो अभी सबसे पहले तो लाओ स्टोन लाओ, देखो स्टोन को एक यहाँ रखो और फिर इसको तोड़ दो, बस अभी जो है इससे पूरी फ्लोरिंग करनी है, और बाद में मैं यहाँ ट्रैप डोर लगा दूंगा ऊपर देखते हुए, तो वो ज्यादा इजी भी रहेगा, क्योंकि अभी तो क्राउच करके लगानी पड़ेगी, तो इससे पूरी वो कर देते हैं, ये छत हो रही है, ठीक है एक फ्लोर की छत हो रही है, फिर इसके ऊपर नेक्स्ट फ्लोर बनेगा, अरे गाइस एक सेकंड, अगर मैंने फ्लोरिंग कर दी तो यहाँ तो क्रीपर आने लगेंगे, नहीं ओह शिट ये तो मैं भूल ही गया था, गाइस जी फ्लोरिंग नहीं कर रहे, एक सेकंड में फ्लोरिंग पूरी तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अभी कोई धड़ाम धड़ाका नहीं चाहिए, एक सेकंड गाइस अपन इसको सीधा ऊपर लेके जाते हैं ढांचे की तरह, फिर बाद में कर देंगे इसकी छत, क्योंकि अगर अभी क्रीपर आ गए ना तो गाइस बहुत झंझट हो जाएगा, अभी मेरे को पूरा टूटा हुआ नहीं चाहिए, मेरे इसमें ब्लॉक्स भी बहुत लग जाएंगे, तो पहले इसको मैं पूरा तोड़ देता हूँ, अभी गाइस अपन इसका जो है सेकंड फ्लोर बनाते हैं, छत अपन इसकी सारी बाद में बना देंगे, तो देखो अभी जो सेकंड फ्लोर है ना ऐसे बनेगी, मतलब ऐसे यहाँ पे, हाँ यहाँ रखना है और यहाँ, ठीक है ऐसे बनेगा इसका सेकंड फ्लोर, देखो अभी जैसे अपना जो फ्रेम है ना बिल्कुल इसी की तरह एक और फ्रेम बना देना है, और अरे नहीं अरे मैं ऐसे करूंगा तो ये सारी कारपेट, चलो ठीक है बाद में लगाएंगे कारपेट, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में खाना भी खिलाता रहूंगा और मैं अपना काम भी करता रहूंगा, आ जाओ पास में आ जाओ, अरे भाई बैठ जाओ, चलो नहीं पहले दो को खड़ा करना पड़ेगा और फिर खाना खिलाना पड़ेगा, है ना ऐसे ही कुछ होता है, चलो अरे खड़े हो जाओ, हाँ बहुत बढ़िया, अरे ये तो अपने आप ही बैठ गए हैं, अरे इनने दिया तुमने क्यों नहीं दिया, ए भाई स्कैम, ओके दे दिया भाई दे दिया, अरे बैठ जा, हाँ अब देखो अब इसकी जो फ्लोरिंग है ना वो ऐसे बनानी है, मैं एक एक लगा के चलता हूँ, छत का एक एक लेयर पूरी कर देता हूँ, बाद में देख लेंगे बाकी का, लाओ एक 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 लेयर लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को जो बाहर का स्ट्रक्चर है ना वो सही लगेगा, फिर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और फिर इसको तोड़ना है गाइस, ये देखो अभी जो छत है ना वो कुछ इस तरीके से बनेगी, छत बनेगी अंदर अंदर, और जो बाहर की है ना इस पे बनेगा सेकंड फ्लोर, ये देखो ऐसे करके ये सेकंड फ्लोर का बनेगा, और ये भी डबल हाइट का रहेगा, एक दो ऐसे करके, तो मैं सेकंड फ्लोर भी पूरा कर देता हूँ साथ के साथ में, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये बनाई थी बगल की बॉर्डर, नहीं तो बगल की बॉर्डर मेरे को ध्यान नहीं रहता ना कितनी कितनी दूर तक लगानी है, बस अब इसकी दिक्कत है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है फिर जाके काम होता है, ये देखो एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, अब यहाँ पे काम हुआ, अब यहाँ एक एक्स्ट्रा, एक यहाँ एक्स्ट्रा और यहाँ पे, चलो इसको तोड़ देते हैं और इसको तोड़ देते हैं और इसको तोड़ देते हैं, ओ भाई खुल क्यों नहीं रहा, ओ ये बिल्लियाँ बैठी इसलिए खुल ही नहीं रहा, ये इधर आना तुम लोग, आओ इधर आओ, अरे इधर आ जाओ, अरे हेलो, अरे भाई ये बच्चे, बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे बैठ लो, अरे
और तुम खाना खाओगे? ओके खा लिया, खड़े हो जाओ, तुम भी खाओ और खड़े हो जाओ, बहुत बढ़िया। अरे तो बाद में आना भाई, अरे 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 जान, बैठ जाओ बैठ जाओ, सब बैठ गए, तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा। कितनी हो गई गाइज, कितनी कैट हो गई है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैट्स हो गई है। तो हर फ्लोर पे दो दो, मतलब 4 फ्लोर तो बन जाएंगे इससे, 4 फ्लोर बन जाएंगे। अपने को बस 2 कैट और चाहिए, तो 5 फ्लोर के लिए अपने पास पूरी कैट्स हो जाएंगी। अभी मैं लेने आया था स्टोन, तो स्टोन लेते हैं और वापस चलते हैं अपने काम पे। देखो 2 फ्लोर बनने वाले हैं, ऐसी 5 फ्लोर बनेंगे। ये एक फ्लोर है, फिर ये दूसरा फ्लोर है, ये तो छत है बीच वाली। तो अभी अपने छत पूरी नहीं करिए, छत को अंदर से भी भरेंगे। छत इसलिए नहीं भरी है क्योंकि अगर छत भर दी तो फिर क्रीपर स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए छत अभी नहीं भर रहे, बाद में भरेंगे। अभी करते हैं अपना काम। ओह शिट, खाना भी नहीं खाया भाई। गाइस अपना ये दूसरा फ्लोर का पूरा हो गया है, ये देखो अब लग रहा है ना एकदम दूसरा फ्लोर जैसा। अगर बाहर से देखो ना तो पूरी बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बन रही है जो बननी चाहिए। अभी अंदर से इसलिए नहीं बना क्योंकि कैट नहीं है मेरे पास। बाहर से बिल्कुल ऐसा लगने लगा है जैसा लगेगा बाद में। ये देखो, ये देखो चारों तरफ से 2 फ्लोर बन गए। अब इसके ऊपर ऐसी 3 फ्लोर और बनाने, तो मैं चाह रहा हूं पहले इनके, भैया हेलो खाओगे तुम्हें? नहीं खा रहे भाई, छोड़ो। बनाते हैं तीसरा फ्लोर भी बनाते हैं फिर, और क्या। पहले इसकी छत की आउटलाइनिंग कर लें, 1 2 3 चलो गाइस इसकी भी आउटलाइन पूरी हो गई है। और बस जो आउटलाइन में ये एक्स्ट्रा लगे इनको हटा देता हूँ, यहाँ एक्स्ट्रा लगा हुआ एक, चलो ठीक है। और ये काई का है, ये भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ही ओके, ये एक्स्ट्रा लग गया होगा। चलो अभी जो है बिल्कुल सही हो गया है, अभी बनाते हैं 3rd फ्लोर। उससे पहले इनसे खाना पूछ ले भाई, खाना खाओगे? अरे खाना खाने को रेडी नहीं है भाई ये लोग, खाना पड़े। अरे ऐसे नहीं, चलो गाइस अपना जो है तीसरा फ्लोर भी कंप्लीट हो गया है। देखो मैं बाहर से दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो अपना जो तीसरा फ्लोर है ना वो भी कंप्लीट हो गया है। बस अंदर का वो, बस मैंने बोला ना छत और ट्रैप डोर वगैरह बाकी है, तो वो भी अपन कर देंगे। पहले खाना खा लें बस, ये लास्ट है। ओके खाने लगी, खड़ी हो जा भाई, और इनसे जब तक इनको अंदर लेके जाऊंगा जब तक और भी करा लूंगा मैं। चलो भाई हो गया तुम्हारा, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। और तूने नहीं खाई क्या? खाना भी करना। ओके एक और गाइज हो गए हैं, अब अपने पास जो है टोटल मिला के जहां तक हो गए हैं सारे, कितने हो भाई तुम लोग? तू बैठ जा, और कौन नहीं बैठी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो हो गए। अभी जब तक इनको अंदर बैठाता हूँ जब तक और हो जाएंगे। रुकना आओ, ऐसे आ जाओगे अपने आप में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। ओके आ गए, अरे 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 3 जने आ गए, चलो बहुत बढ़िया। अब गाइज मैं चालू करता हूँ इनकी छत वगैरह बनाना, लेकिन मेरे को डर लग रहा है यार पहले ही ना आ जाए ये क्रीपर वगैरह। ये गाइज अभी इसकी छत नहीं बनाते हैं क्योंकि क्या पता क्रीपर स्पॉन हो जाए और मेरी बिल्लियों को ही मार दे मेरे साथ साथ। इससे पहले अपन इसकी सारी फ्लोर बना लेते हैं, ठीक है? अपन 3 तो बना ही चुके हैं, बस 2 और बनानी है ऐसी 3। ओके नीचे गिरा तो मरूंगा भाई। गाइज अपने 5 फ्लोर पूरे हो चुके हैं, और क्या MLG होगी क्यों नहीं होगी, प्रो हो जाओ मैं। अरे एक सेकंड रात में देखते हैं ना गाइज कैसा लगता है ये बिल्ड, एक सेकंड रात में। ओके कैसा लग रहा है ये बताओ, तुम कमेंट्स में बताओ मेरे को। बाहर से अभी अंदर से पूरा नहीं हुआ है, वर्किंग नहीं हुआ है, जो दिखने का है वो पूरा हो गया। देखो 1 2 3 4 5 और अरे अरे उड़ते तीर आ रहे हैं भाई। चलो भागो भागो, उड़ता तीर लेने का कोई शौक नहीं है। गुड नाइट, चलो गाइज गुड मॉर्निंग। और अपना बिल्ड देख लो, मॉर्निंग में भी एकदम गुड गुड है। और ये एक्स्ट्रा ब्लॉक है, इसको उठाओ, लो बाकी ब्लॉक दो। ब्लॉक का काम है, अरे ब्लॉक का काम है, छत बनानी है अभी तो, ठीक है चलो। अभी जो है इसका थोड़ा सा किलिंग चैम्बर वाला काम और क्या कहते हैं वो करते हैं, कारपेट लगाते हैं यहाँ पे। चलो एक लगाना है यहाँ, एक लगाना है यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, इन दोनों को खोल दो, फिर कारपेट लगेगी एक यहाँ एक यहाँ, एक दो को छोड़ के एक यहाँ, फिर एक छोड़ के यहाँ, फिर लग जा भाई एक यहाँ इस कोने में, एक इस कोने में, फिर इससे 2 छोड़ के यहाँ, इससे 2 छोड़ के यहाँ, ऐसी सेम टू सेम यहाँ 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 यहाँ, 2 छोड़ के यहाँ, 2 छोड़ के यहाँ, ऐसी। अब जो है औरों पे भी लगेगी कारपेट, पहले बिल्लियाँ बैठाता हूँ भाई, आ जा इधर इधर इधर, अरे बाहर मत भग, इधर आ जा, बस बैठ जा, बहुत बढ़िया एकदम सोनी सोनी लग रही भाई। अंदर अंदर होली, अंदर होली, बहुत बढ़िया। एक बैठ गई है गाइज, एक और बिल्ली लेके चलते हैं, वाइट इसी कलर की लेके चलते हैं। आ जा इधर आ जा, क्या आ जाएगी ये यहाँ पे? ओके आ जा कोने में आ, अरे नहीं यार, अरे यार वापस वही टेलीपोर्ट होना, आ जा
भग के चलो, भग के चलो, वरना ही चल के आती ना तो फिर गिर जाती। अरे गिर गई यार, क्या बावड़ी है। आजा जल्दी आ, मैं भग के जाऊंगा। इन 3, 2, 1 और ये भगा मैं। ओके टेलीपोर्ट हो गई, आजा इधर आजा। तो खिसक खिसक, अरे खिसक, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। बैठ जा कोने में, तेरे को मच्छी दूंगा, मच्छी दूंगा, ये ले चल खा लिया। ओके जिसको मार देते हैं ना वो मच्छी, मच्छी खाने के बाद दिल नहीं निकलती। चलो इसको मैंने एक मारा, एक खिला दी बस। चलो गाइस अपना जो है फर्स्ट फ्लोर पूरा हो गया है, फर्स्ट फ्लोर पे लगाते हैं अपन। पहले तो फर्स्ट फ्लोर को अपन चालू करते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 3 के डब्बे खोदने अपने को। ये लो अभी जो है 2 जाएंगे सामने की ओर, ठीक है। इधर की साइड निकालें, इधर की साइड ही निकालते हैं, तो जितनी दूर भी ये जाएंगे। और यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना देंगे, या अभी तो मैं यहीं बना दूं किलिंग चैम्बर में सोच रहा हूँ, या तो नेदर पोर्टल बना देंगे। और ये कितनी दूर तक जाता है, आजा। ओके बिल्कुल सही है, यहाँ एक नेदर पोर्टल होना चाहिए, तो वो देखते हैं अपन। बस यही बनाना था गाइज। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो मैं किलिंग चैम्बर इसका यहीं बना देता हूँ, क्योंकि जब तक अपने पास वो आएगी, क्या कहते हैं, डायमंड की पिकेक्स आएगी ना, वैसी मैं बना दूंगा नेदर में, क्योंकि अपने को ऑब्सीडियन लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। ऑब्सीडियन लेके जाने पड़ेंगे, अपन जिस नेदर पोर्टल से घुसेंगे उस नेदर पोर्टल से आ नहीं सकते, उस नेदर पोर्टल से आ नहीं सकते, इसलिए अपन फटाफट से पहले तो बनाते हैं एक फर्नेस बनाना पड़ेगा। रुको मुझे चारकोल बनाना है, फर्नेस को लगाओ यहाँ और इसमें डालो वुड। ऐसे नहीं होता क्या, अरे सिंपल वाली वुड चाहिए। एक सेकंड गाइज मैं काट के लाया। और गाइज जो नेदर पोर्टल है वो वर्क तो बिल्कुल सही करना चाहिए, क्योंकि अपन बस ओवरवर्ल्ड में जितने भी फार्म बनाते हैं ना नेदर पोर्टल वाले, वो इसीलिए होते हैं, मॉब है या फिर जिसको भी अपन मारना चाह रहे हैं वो जल्दी से वहां से गायब हो जाए, क्योंकि वो मरेगा जब तक टाइम लगेगा मरने में उसको, जब जितना उसे टाइम लगेगा मरने में उतनी देर तक और स्पॉन नहीं होंगे। तो बस यही होता है उस नेदर पोर्टल का कारण, कि जल्दी से गायब हो जाए तो और नए आ जाए। तो बस यही मैं ट्राई करूंगा इसके अंदर नेदर पोर्टल लगाने का, लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो अपन बना देते हैं ऐसी। इसमें क्या कहते हैं, बन गए, चलो ठीक है। और 2 ही बनेंगे कैंप फायर, 2 बहुत है, 2 में तो जल के राख हो जाएंगे भाई क्रीप, 2 में तो जल के राख कर देंगे क्रीपर को, बहुत है, 2 बहुत है, अभी तो 2 बहुत है। बाद में मैं यहाँ पे नेदर पोर्टल करने वाला हूँ, इसका नेदर पोर्टल वाला सिस्टम बनाएंगे, अभी तो जो भी है ठीक है। बाकी अब इनकी छत बनानी है, ट्रैप डोर लगाने हैं, और पहले तो चलो यहाँ पे बस यहाँ तक आएगा ना पानी, कहाँ तक आएगा एक बार वापस देख लें। ओके यहाँ तक आ रहा है पानी, तो यहाँ से वो नीचे गिरने चाहिए, ठीक। लाओ पानी तो अभी दे दो मेरे को, यहाँ आएंगे तो और एक और नीचे, ठीक है। अभी हॉपर 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 गाइज, हॉपर भी तो लगाना पड़ेगा, हॉपर लेके आते हैं और 2 चेस्ट लेके आते हैं। तो हॉपर तो शायद मैं ही बना दूंगा, ये 1 चेस्ट, ये 2 चेस्ट, ये 3, ये 4, बस 4 चाहिए। और हॉपर बनाते हैं, 2 हॉपर बन जाएंगे। चलो गाइज देखो अभी जो है मैं 2 हॉपर और 2 चेस्ट लेके आ चुका हूँ, इनको उठाओ और बस एक छोटा सा रूम बना लेता हूँ, बाद में इसको अपन नेदर से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे रूम की जरूरत नहीं है, फिर वहां बड़ा रूम बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ हॉपर, यहाँ वो, तो ठीक है एक और नीचे करना पड़ेगा इसे। चलो अभी देखो यहाँ पे एक ये लगेगा, एक ये, और अभी जो हॉपर है वो लगेंगे एक इस पे अटैच होते हुए। हो गए, हो गया ना, हुआ कि नहीं, हो गया हो गया, चलो ठीक है, हो गए गाइज हॉपर कनेक्ट हो गए। अगर इसमें कुछ फेंको और इसमें कुछ फेंको तो यहाँ आने चाहिए। चलो अभी एक ये यहाँ लगेगा और एक ये यहाँ लगेगा, बहुत बढ़िया। अभी जो है कांच, अरे नहीं इससे तो मैं ही मरने लगूंगा भाई। कांच लाने चाहिए पहले मेरे को, कांच ला लेके आता हूँ, सैंड है मेरे पास, लेकिन अब मैं ऊपर कैसे निकलूँ, ऊपर यहीं से रास्ता बनाते हैं। चलो ये बुझेगा तो नहीं ना पानी अगर मैं यहाँ डाल दूँ। ओके नहीं बुझ रहा है, ठीक है। चलो अभी जो है अपना ये रास्ता है, हमेशा अपन को यहीं से लेके आना है। पहले मैं सो जाता हूँ और अपन क्या लेने आए। चलो अभी जो है फटाफट कांच बना लेता हूँ, मेरे पास वो पड़ा था सैंड, अच्छा मैं उस वाली चेस्ट में रख के आया। रुको जब तक मैं बना लेता हूँ इसमें थोड़ी बहुत लैडर्स, 12 लैडर्स बहुत होंगी, बस अपने को ऊपर आना है तो वहां लगा दूंगा मैं। और सैंड लेके आते हैं, सैंड को पिघला के कांच बनाएंगे, कितने, 2, 2, 4, 2, 6 कांच में मेरे यहाँ तक काम हो जाना चाहिए। तो अपने पास पड़ी थी सैंड 17 है, ठीक है। चलो लो भाई अभी ये पिघल जाए फिर अपन चलते हैं, कांच लगाते हैं, या तो इसको वहीं पिघलाएं क्या, एक सेकंड इसे उठा लो, चलो वहीं पिघलाएंगे कांच वांच। और क्योंकि अपने वहां ट्रैप डोर लगाने, अभी सबसे बड़ा काम करना है, तो अपना जैसी ट्रैप डोर लगेगा वैसी फार्म तैयार हो जाएगा, बस अपन को ऊपर वॉल लगानी होगी। इसमें ये डालो, यहाँ पे वुड डालो। चलो मैं ट्रैप डोर लगाता हूँ, जब तक ट्रैप डोर और वो स्टोन लगाना था, यहीं से लगाना चालू करते हैं। बस भगवान करे अभी कोई क्रीपर नहीं आए, एक सेकंड को वैसे बिल्ली आए, फूटेगा नहीं, फूटने लगेगा यार वो।
मैं भगूंगा, बिल्ली के पास भगूंगा, वो बिल्ली से दूर भगेगा, फिर देखता हूँ कैसे आता है मेरे पास। बस हो गया, अब यहाँ ट्रैप डोर लगाने कुछ इस तरीके से। अरे नहीं, ट्रैप डोर ही खत्म हो गया गाइस, ट्रैप डोर और लाने पड़ेंगे। इसको खोलो, इसको खोलो, जाने का रास्ता बनाओ। और ट्रैप डोर तो बहुत बनाने पड़ेंगे भाई, मैंने इतने सारे ट्रैप डोर बनाए थे वो खत्म हो गए सारे। क्या मैंने इतने सारे ही बनाए थे कि इतने से ही बनाए थे मैंने, ये तो बताओ मेरे को कोई। 6 बहुत हैं गाइस, मेरे को तो लग रहा है मैंने ट्रैप डोर कम ही बनाए थे शायद, क्योंकि यार बहुत हो जाएंगे। 20 ट्रैप डोर, नहीं यार बहुत ट्रैप डोर चाहिए इसका मतलब। एक सेकेंड, अभी गाइस जो है कांच लगा देता हूँ मैं। कहाँ कहाँ लगाने थे कांच? वहां से पानी आएगा यहाँ तक आएंगे वो लोग, फिर यहाँ के बाद वो जलने लगेंगे, तो जलाना है उन्हें यहाँ तक। चल ये बढ़िया है, यहाँ जलेंगे दिखेंगे। और इसको यहाँ पे और लगा देता हूँ, एक कांच कम रह गया है, ये बाद में लगा देंगे कांच, लेकिन अब वो बाहर नहीं आ पाएंगे, बस इतना है। चलो ये हो गई वे टू आउट, अपन यहाँ से बाहर निकल आएंगे, बाकी नीचे नीचे क्रीपर जलते रहेंगे। लो भाई एक और कांच जला लो तुम, जब तक हमें भैया जी ट्रैप डोर लगाने हैं अंदर। ट्रैप डोर लगाते हैं, पहले तो ये लगाते हैं। और किलिंग चैम्बर हर फ्लोर का एक ही रहने वाला है, इसलिए यहाँ नहीं लगेंगे। देखो यहाँ जो है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। और मैंने अंदर ट्रैप डोर पूरे लगा दिए हैं क्या? नहीं, अंदर भी ट्रैप डोर नहीं लगाए पूरे। चलो ये अपना एक साइड कंप्लीट हो गया है, अभी चलते हैं अपन दूसरी साइड। और ये खाली रहेगा ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि यहाँ क्रीपर गिरेंगे तो यहाँ खाली रहेगा बाकी सब। और ट्रैपडोर बहुत कम कर पड़ने वाले हैं, तो मेरे को बहुत वुड तोड़नी पड़ेगी, तो वो बहुत वुड तोड़ने के लिए अभी मेरे को जाना पड़ेगा अपने विलेज के पास। और ये पानी कहाँ से आ गया? नहीं शिट, ये देखो ये देखो क्या मस्त लग रहा है, दूर से तो एक तगड़ा लग रहा है, मतलब एकदम क्या ही बोले जैसा, क्या बिल्ड लग रहा है इसमें। मन तो कर रहा है इसको 10 मंजिल का कर दूं, ऐसे बिल्डिंग सी लगेगी बड़ी सारी। चलो इतने ट्रैप डोर लगाते हैं, बाकी देखेंगे बाद में, अपना एक फ्लोर तो पूरा हो कहीं जाके। ओ भाई कितने ट्रैप डोर लग रहे हैं इसमें, एक तो एक शायद एक स्टैक तो फिर से खत्म हो गया। चलो लेकिन हो गया है गाइस, एक फ्लोर पूरा हो गया है, इसको मैं ढक देता हूँ, क्योंकि अब अभी से आना चालू हो जाएंगे या फिर एक एफ होने के बाद ही आते हैं क्या पता, लेकिन अब आना चालू हो जाएंगे, बस इसमें से तो आना चालू हो जाएंगे। ये एक फ्लोर पूरा है, अभी अपने को दूसरे फ्लोर की सीढ़ियाँ बनाई तो तला रहा हूँ मैं भैया। ये देखो गाइस अपना दूसरा फ्लोर बिल्कुल सही निकल गया है। अभी इस दूसरे फ्लोर पे अपने को एक ट्रैप डोर यहाँ, एक ट्रैप डोर यहाँ, यहाँ नहीं लगाना था, ये हमारी गलती से हो गया। और नीचे पानी भी डालना है, ओ सॉरी फिलिंग चैम्बर पूरा नहीं हुआ है गाइज अभी। गाइज एक सेकंड मैं पानी लेके आता हूँ, नहीं पानी एक तो डाल देता हूँ ना मैं पहले, लेकिन फिर निकलूँगा कैसे मैं? अच्छा ठीक है, मैं वहाँ से नहीं निकल सकता यार। गाइज अभी जो है पूरा हो गया, इसको खोल देता हूँ, बहुत बढ़िया अभी पानी पहुँच रहा होगा, एक बार क्लिंग चैम्बर में जाके देख लेते हैं। ये देखो गाइज अभी पूरा हो गया, पानी बिल्कुल कोने तक आ रहा है, वहां तक आएंगे क्रीपर यहाँ गिर जाएंगे सिम। अभी चलते हैं अपन और फ्लोर का काम करने, पहले सोते हैं, रात भी बहुत हो रही है, बारिश भी बहुत आ रही है। और अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं बिल्लियों को कैसे लेके आऊं। चलो भाई बिल्लियां ऊपर आ जाओ, भगवान के नाते ऊपर आ जाओ, भाई नखरे मत करना यार। ओ दुनिया भर के क्रीपर यहाँ, एक दो नहीं भाई, यहाँ कितने सारे क्रीपर हैं। ओ भाई मेरे फार्म के क्रीपर बाहर आ रहे हैं, देख रहे हो गाइस? तो दो को उठा के लेके चलते हैं पहले, तो आओ भाई आ जाएंगे ये लोग। ओ आ जा इधर भाई, गिर मत जाना अबे। अरे शिट, जल गई। ओ आ गई रे, आ गई भाई, मैं सोचा जल गई, हो गया सत्यानाश। आ जा अरे यार आ ही नहीं रही, अगर मैं इसको यहाँ लगा दूं, आवाज किसकी आ रही है? अरे सो गई, आ जा भाई ऊपर को आ ले, सो रही भाई बावड़ों की तरह। आ जा अब तो तेरे लिए पूरा बना दिया मैंने। ओके आ गई, चलो बैठ जा, बहुत बढ़िया।
अरे मैं ऐसे ही ले जाऊंगा, जरूरत ही नहीं है उनकी लीड वगैरह की। हाँ। चलो अरे वूल भी लानी पड़ेगी और ठीक है, लेकिन चलो गाइस दो फ्लोर तो है पूरे, क्योंकि ये बिल्लियों के चक्कर में मेरे को लग रहा था फ्लोर पूरे नहीं होंगे, लेकिन अब बिल्ली आ गई है तो फ्लोर भी पूरे हो गए दो। तो गाइस ऐसी नखरेस झेल झेल के इन लोगों को ले जाना होगा। तो पहले तो मैं वूल लेके आता हूँ भाई, बहुत वूल चाहिए अब। अपना ये फ्लोर हो गया है पूरा, अभी इसको कर दो बंद और अब चलते हैं तीसरे फ्लोर पे। ओके गाइस तो फाइनली अपना पूरा हो गया क्रीपर फार्म। ये देखो इसके अंदर पांचों फ्लोर पूरे हो चुके, मतलब पांचों पे मैंने जो काम करना था सारा कर दिया है और अब बस अपने को AKF होना है। देखो कितनी देर AKF होता हूँ, लेकिन AKF हो रहा हूँ अभी तो। और इन सब सामानों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अपने को बस अब AKF होना है इसके 120 ब्लॉक ऊपर। तो पहले तो अपने को 120 ब्लॉक चाहिए, रुको तो मैं डर्ट ही ले आता हूँ 120 ब्लॉक। और अभी लाइटिंग भी करनी है चारों तरफ इसके, लाइटिंग मतलब टॉर्च लगानी जिससे बाहर स्पॉन ना हो अंदर स्पॉन हो। कोल पड़ा होगा तो इधर से मैं कोल लेके, ओके कोल घर से लाना पड़ेगा गाइस, दो मिनट कोल लेके आता हूँ मैं विलेज से जाके। ओके टॉर्च तो नहीं मिली गाइस, कोल मिल गया है लेकिन इतना ही कोल है मेरे पास, ठीक है और ले आऊंगा बाद में माइन करके। अभी तो जो है इसकी बनाते हैं सारी टॉर्च, ठीक है क्योंकि चारों तरफ टॉर्च लगानी है, 64 तो बहुत है। और मैंने ये ट्रैपडोर भी ज्यादा बना लिए थे गुस्से में, वैसे ज्यादा क्या 50 ही बचे हैं सिर्फ, मैंने दो पूरे इतने लंबे लंबे ट्री काट के लास्ट टाइम पे जब बस एक ही फ्लोर बचा था मैंने, कि अरे ट्रैपडोर पता है एक फ्लोर पे दो या तीन स्टैक लग रहे थे, अब पता नहीं फिक्स गिनती तो तुमको अगर पता पड़ी तो तुम बताना, लेकिन मेरे यहाँ तक तीन स्टैक लग रहे थे, एक नंबर लग रहा है दूर से देखने में। चलो अभी तो जो है लाइटिंग करते हैं इसकी चारों पांचों तरफ से और फिर चलते हैं 120 ब्लॉक ऊपर AKF होते हैं और देखते हैं अपने को कितना मिलता है और कितनी देर AKF होते हैं, मैं बता दूंगा कि इतनी देर में अपने को इतना मिला है। यहाँ पम्पकिन वम्पकिन भी लगे पड़े हैं भाई, ये पम्पकिन ही नहीं उठाए मैंने साफ करने में, लेकिन ये अच्छे लग रहे हैं लगे रहने। बस अपने को एक तरीके से ऐसा बनाना है कि बस फैक्ट्री लगा दी है, जंगल में फैक्ट्री नहीं होती वैसे, बस फैक्ट्री बनानी है ऐसे लाइन में, बाकी बाद में अपन डेवलप एक तरीके से रोड वोड बनानी होगी ना, मैं सोच रहा हूँ रोड भी बनाए तो वो बाद में बना देंगे। और अरे नहीं अब मैं पानी डाल के ऊपर नहीं जा सकता। चलो गाइस अभी अपने को जो है 64 + 56 = 120 ऊपर ब्लॉक लगा के जाने सारे, तो इनको मत छेड़ेंगे। और बन गए के ग्लास, ठीक है दो ग्लास बच रहे हैं तो ये दो ग्लास और लेके चलते फटाफट से। तो चलो ग्लास बन गया है, टॉर्च है, टॉर्च बस एक बार ऊपर लगा के जानी है अपने को, इसके ऊपर छत पे लगा देंगे टॉर्च फिर अपन डायरेक्टली ऊपर चलेंगे। तो इसको हाँ इन्हीं को यूज करना है अपने को, ठीक है तो यहाँ से बीच में से बनाते हैं, रुको 1 2 3 चलो अभी यहाँ से अपन चलते हैं ऊपर। तो ये सारे ब्लॉक लगाने तो गिनने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर जाके अपन बस टॉर्च और लगा देंगे। ठीक है मैं टॉर्च लगा देता हूँ, एक यहाँ पे लगा देता हूँ बस, ठीक है अब चलते हैं अपन गाइस डायरेक्ट ऊपर 120 ब्लॉक और देखते हैं AKF होके कितने आते हैं और कितनी देर AKF होता हूँ वो मैं बता दूंगा कि कितनी देर में कितने आ रहे हैं। चलो अभी जो है अपने पूरे 120 ब्लॉक ऊपर आ गए, अभी जो है थोड़ा सा आगे जाते हैं, 1 2 3 4 5 एक और आगे, अभी जो है इसको तोड़ो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। अरे अपने को सीढ़ियां बना लानी चाहिए थी, अरे नहीं ओ शिट गाइस अब अपन नीचे या तोड़ते हुए जाएंगे, ठीक है चलो तोड़ते हुए जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, अपने आप को ढक लेते हैं पूरा, डर्ट ही है। बाद में मैं ग्लास बना दूंगा, एक ग्लास का AKF रूम बना दूंगा जब अपने पास स्काफ होल्डिंग वगैरह सब आ जाएगी ना, तो तब बढ़िया लगेगा वो। अभी जो है अपने को नीचे दिख रहा है, अभी मैं जाता हूँ और अभी गाइस देखो 8:30 हो रहे हैं, 8:30 ये देखो, हाँ ये देखो 8:30 तुम्हें दिख रहा होगा मेरे जहां तक, अभी 8:30 हो रहे हैं, देखते हैं कितनी देर तक AKF होते हैं और कितना अपने को गन पाउडर मिलता है।
ओके गाइज, वेलकम बैक। और अभी देखो टाइम हो गया है 56, मतलब लगभग 30 मिनट हो गए। तो आप खोल के देखते हो और ये रात कैसी हो रही है भाई। रात तो पहले भी हो रही थी और रात अब भी हो रही है। ये स्कैम मत करो मेरे साथ भाई। ये स्कैम भाई हुआ भी है, दिन विन हुआ भी था, तुमने देखा ना? बताओ मेरे को कमेंट में, बताओ मैं कमेंट। अरे इसकी जगह मैं MLG भी तो मार सकता था। अरे नहीं, फिर मैं बाद में वापस भी तो आ सकता था स्टेल लगा के। MLG हो, अच्छा ये भी तो दिक्कत है। हो जाएगी, हो गई। चलो अंदर चलो। अरे चल भाई, चल। गाइज क्रीपर तो नहीं दिख। एक दो तीन चार पांच, 5.5 स्टैक। वो भाई क्या काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा भाई। सही है भाई, आधे घंटे में तो इतने मेरे को तो बहुत है भाई, किसी को हो नहीं हो क्या क्या। अरे अभी मैं इतने सारे क्रीपरों को मार के आ रहा हूँ, है तेरे को मालूम नहीं है? मालूम नहीं है। अरे नहीं, वो मर गया। सॉरी, ओ क्रीपर नहीं। आज के लिए बस इतना ही। देखो अब अगले एपिसोड में करेंगे जो भी इनका करना है। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने स्टैक आ जाएंगे, लेकिन मेरे को, मैं बोल रहा था ना तुम्हें, 2-3 स्टैक आ जाए तो बहुत है, लेकिन इतने आ गए हैं, बहुत ज्यादा है। और इसको अभी मैं नेदर पोर्टल में भी कन्वर्ट कर दूंगा तो शायद और भी ज्यादा है। तो बस आज के लिए गाइस इतना ही। तुम देखो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना। जब तक के लिए मैं चलता हूं, और अगले एपिसोड में अपन जाने वाले हैं डायमंड माइनिंग पे, और इस बार डायमंड लेके आऊंगा मैं, ठीक है? लेके आऊंगा मैं भी, देखूं कौन राजा भाई। Ha 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 ha